नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतना किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ा सपना होता है और कई कलाकारों का ये सपना उस वक्त पूरा हुआ जब 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। ये वो पुरस्कार होते हैं जो भाषा की बंदिश या फिर क्षेत्र की बंदिश से ऊपर होते हैं, चाहे वो किसी भी सिनेमा का कलाकार हो, लेकिन अगर उम्दा प्रदर्शन किया है तो यहाँ उसे सम्मानित किया जाता है। क्यों खास रहा इस बार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसके बारे में तो चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं फिल्म उरी के साथ। जी हाँ, 4 अवार्ड मिले हैं फिल्म उरी को इस बार के नेशनल फिल्म अवार्ड में, और घोषणा जब इसकी हुई तो लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए क्योंकि ट्विटर के ऊपर बहुत मिक्स रिएक्शन लोगों के आने शुरू हुए। दरअसल फिल्म रिलीज़ हुई थी जनवरी 2019 में और लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो फिल्म जनवरी में रिलीज़ हुई है और पुरस्कारों की घोषणा तो 2018 की फिल्मों के लिए है, तो फिर उरी को कैसे चुन लिया गया। वेल, हम आपको बताएं, अगर किसी फिल्म को 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिला है तो वो एलिजिबल हो जाती है नेशनल अवार्ड के लिए। और उरी की अगर हम बात करें तो इसे सर्टिफिकेट मिला था 31 दिसंबर को, सबसे आखिरी दिन मतलब, और इसीलिए उरी को भी इस बार अवार्ड मिले हैं। हाउस द जोश, जैसे ही अभी भी हम कहते हैं तो लोगों के दिलों में जोश भर जाता है। 15 अगस्त वैसे भी अब नज़दीक है। विकी कौशल को जब पता चला कि अवार्ड उन्हें मिला है तो वो काफ़ी अचंभित हो गए और बहुत खुश भी थे। एक छोटा सा नोट उन्होंने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है, नोट अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कितना भावुक विकी कौशल उस वक्त हो गए थे। हालांकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले विकी कौशल अकेले एक्टर नहीं है, उन्हें शेयर करना पड़ा है इस बार का ये अवार्ड आयुष्मान खुराना के साथ। और अवार्ड मिलने के साथ ही आयुष्मान खुराना ने ये भी बता दिया कि चाहे भले ही वो लो बजट फिल्में करते हैं लेकिन सब्जेक्ट लो नहीं होता है उसका, सब्जेक्ट हमेशा उनकी फिल्मों का हाई ही रहा है। और अगर इस फिल्म की भी हम बात करें, अंधाधुन की, बहुत छोटे बजट की बनी हुई ये फिल्म है, 74 करोड़ में ये बनी, और कमाई की अगर हम बात करें 456 करोड़, जी हाँ 456 करोड़ टोटल इंटरनेशनल लेवल को मिलाकर के अगर हम काउंट करें तो इस फिल्म ने बनाया है। ट्वीट किया भी आयुष्मान खुराना ने, भी जो उनके जज्बात थे वो शेयर किए, उन्होंने कहा ऐसी फिल्में आगे भी मैं करता रहूँगा। और इसके साथ ही साथ विकी कौशल को भी बधाई देना, वो नहीं भूले। अब बधाई की बात हो ही रही है तो फिर आयुष्मान खुराना की एक और फिल्म का जिक्र भी कर लेते हैं जो है बधाई हो। फिल्म को अवार्ड भी मिला है और बधाई के पात्र ये फिल्म थी भी। शुरू से ही हमने देखा है कि जो सब्जेक्ट था इस फिल्म का वो एक तरह से टैबू रहा है, लोग बात नहीं करना चाहते हैं। और इस फिल्म के सब्जेक्ट की हम अगर बात करें तो एक कपल जिसकी कि एज ज़्यादा है, अधेड़ उम्र हम कह सकते हैं, वो माता पिता बनने वाले हैं। पूरी फिल्म इसी के आसपास घूमती है। बहुत प्यार मिला दर्शकों को इस फिल्म का। और कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म का इसे अवार्ड मिला है। और इसके साथ ही साथ जो दादी का रोल निभाने वाली थी उन्हें, मतलब सुरेखा सीकरी को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी जब इसकी घोषणा हुई और उन्हें पता चला। हालांकि धन्यवाद दिया उन्होंने लोगों का और कहा कि इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया गया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड उन्हें मिला है फीमेल कैटेगरी में। मेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो शिवानंद किरकिरे चुंबक फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। चुंबक एक मराठी फिल्म थी। इसके अलावा अगर कुछ और कैटेगरीज़ की हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा धूमधाम यहाँ पर फिल्म पद्मावत की देखने को मिली। जी हाँ, पद्मावत के लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। घूमर डांस आपको याद होगा, दीपिका पादुकोण का घूमर गाना भी था और इसमें उन्होंने घूमर डांस भी किया था। बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए इस सॉन्ग को चुना गया है। और इसके अलावा बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजे गए हैं संजय लीला भंसाली। जी हाँ, सही सुना आपने, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड मिला है उन्हें। तो बेस्ट एक्टर के बारे में भी हमने आपको बता दिया, सपोर्टिंग एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में बता दिया, लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में बताना आपको रह गया है। बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से इस बार नवाजी गई हैं साउथ की एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश। हो सकता है आप कीर्ति सुरेश के बारे में बहुत ज़्यादा ना जानते हो, तेलुगु फिल्मों में ये काम करती हैं, बहुत जानी मानी वहाँ की एक्ट्रेस हैं। और फिल्म जो उन्होंने की थी उसका नाम है महानती। महानती फिल्म में उन्होंने एक साउथ की एक्ट्रेस के किरदार को निभाया था, बहुत पसंद किया गया उनके इस कैरेक्टर को। सावित्री एक लेजेंडरी एक्ट्रेस है साउथ की, इसी किरदार को रुपेले पर्दे पर उकेरा था
कीर्ति सुरेश ने और जितना प्यार सावित्री को शायद नहीं मिला था उससे ज़्यादा कीर्ति को कैरेक्टर को उतारने के लिए उससे ज़्यादा प्यार मिला है। किस तरह से एक एक्ट्रेस के जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, कैसे सक्सेस मिलती है, इसके अलावा किस तरह से डिप्रेशन में चली जाती है, बावजूद इसके कैसे अपने को स्टेबल रखती है, ये इस फिल्म के ज़रिए दिखाया गया है। तो अवार्ड के बाद चारों तरफ से लोगों को बधाइयाँ मिलनी भी शुरू हो ही चुकी हैं और तमाम जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो इस वक्त खुश भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको बताऊं कि नेशनल फिल्म अवार्ड हर साल मार्च अप्रैल में इसकी घोषणा कर दी जाती है और अगर समारोह की बात करें तो 3 मई को समारोह आयोजित किया जाता है और लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन लोकसभा इलेक्शन इस बार था और यही वजह रही कि नेशनल फिल्म अवार्ड थोड़ा डिले हो गया, अब इसकी घोषणा की गई है। जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।